गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका कला, जीव द्रव्य कला। ठीक है, वह मेम्ब्रेन जिसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ रहता है उसे कोशिका कला कहते हैं, सेल वॉल। ओके, देखिए अब हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के ठीक नीचे एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं, जिसे जीव कला अथवा प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह बहुत पतली कौमा सजीव लिविंग होती है, लचीली मतलब फ्लेक्सिबल और अर्धपारगमय होती है। अर्धपारगमय का मतलब होता है कि ये कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को तो अपने अंदर से होकर के जाने दे और बाकी को नहीं जाने दे, है ना। हाँ भाई प्यारे बच्चों, देखो इसमें क्या था, तो ये अर्धपारगमय होती है, जैसे कि हमारी आटा छानने की छलनी होती है, तो वो कुछ सिलेक्टिव पार्टिकल्स को तो अपने अंदर से होकर के गुजरने देती है, अदर पार्टिकल्स जिसे हम भूसी कहते हैं उसे अपने अंदर से होकर के नहीं जाने देती। वो पारगमय तो होती है, लेकिन आटे के पार्टिकल्स के लिए पारगमय होती है, भूसी के लिए पारगमय नहीं होती, तो इसलिए उसे अर्धपारगमय कहते हैं। ऐसी झिल्ली जो सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अपने अंदर से होकर के गुजर के जाने दे और सिलेक्टिव को नहीं जाने दे। ठीक है, इसका निर्माण प्रोटीन तथा वसा की दो पतली परतों से होता है। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगमय होती है, मतलब चयन के आधार पर पारगमय कार्य करती है, जिसे अपने अंदर से होकर के जाना होता है उसका चयन करती है, जिसका चयन नहीं किया हुआ होता है वो इससे होकर के नहीं गुजर सकते हैं पार्टिकल्स। यह आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, मतलब अगर ये झिल्ली जो है किसी कारण डैमेज हो जाए तो फेवरेबल कंडीशन आने पर ये दोबारा से विकसित हो जाती है। जो इसमें डेविएशन हुआ है, विकार आया है, वो ऑटोमेटिक ठीक होने की कैपेबिलिटी है इसमें। अतः कहीं से टूट जाने पर यह मरम्मत करके कोशिका द्रव्य को बहने से रोकती है। ओके, जैसे कि इंसान की खाल होती है, अगर इंसान के शरीर पर चोट लग जाए तो क्या होता है, उसमें ब्लड का थक्का जम जाता है और उसकी दोबारा से रिपेयरिंग होने के बाद दोबारा से स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है और ब्लड बाहर निकलने से रुक जाता है। ओके, ठीक है, ये हमारी पादप झिल्ली का डायग्राम है। ये लिखा हुआ है बाह्य प्रोटीन परत, हाइड्रोफिलिक बिंदु, वसा परत, आंतरिक प्रोटीन परत। इसकी जो मोटाई है यहाँ से यहाँ लेकर के, यह है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी फुल मोटाई है वो है 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 35 एंगस्ट्रॉम तक, और ये मोटाई भी इसकी 20 एंगस्ट्रॉम है। ओके, मेम्ब्रेन का इकाई मॉडल, यूनिट मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन। अब हम इसके कार्य देखते हैं। इसके द्वारा एक्सोसाइटोसिस एवं एंडोसाइटोसिस क्रियाएं संपन्न होती हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब पदार्थों का बाहर निकलने वाला, और एंडोसाइटोसिस मतलब पदार्थों का अंदर जाने वाली क्रियाएं। यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ठीक है, कैसे कार्य करती है, गार्ड के तरीके से कार्य करती है कि कौन से पदार्थों को बॉडी के अंदर जाने देना है और कौन से पदार्थों को बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल के अंदर जाने नहीं देना है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, दूसरे पदार्थों की गति को रोक देती है। यह वर्णात्मक पारगमय होती है, मतलब पारगमय होती तो है लेकिन वर्णन के आधार पर होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके वो देख रहे हैं पादप कोशिका एवं उसके भाग। पादप कोशिका के तीन भाग होते हैं, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिकाएं। जीव द्रव्य जो है इसके तीन पार्ट होते हैं, जीव द्रव्य कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य ये दो पार्टों में डिवाइडेड होता है, उपापचय से के क्रिया कोशिकांग और उपापचय के निष्क्रियांग। ठीक है, और ये जो है मतलब रिक्तिकाएं जो हैं ये कितने टाइप की हैं, दूसरा है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं दो टाइप की होती हैं, टोनोप्लास्ट, रिक्तिका रस, और ये जो है इधर वाला टोनोप्लास्ट वाला ये दो पार्ट का होता है, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर, सॉरी केंद्रक जो है केंद्रक कला केंद्रक द्रव्य में डिवाइडेड होता है। केंद्रक द्रव्य में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म दो टाइप का होता है, क्रोमेटिन जाल और केंद्रिक।
ठीक है। और उपापचय से के निष्क्रिय पदार्थ ये दो टाइप के होते हैं, गुणसूत्र की डीएनए एवं आरएनए संरचना, ठीक है। क्रोमेटिन जाल में क्या होता है, गुणसूत्र की डीएनए एवं आरएनए संरचना। तो इसका यह है संचित खाद्य पदार्थ, स्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक। और ये जो होता है उपापचय के सक्रिय कोशिकांगी का है, लवक है, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, ओके। इससे बाद इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक है हमारा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, ओके। तब तक आप इस वर्क को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।